हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेघा हेल्थ एंड ब्यूटी कॉर्नर। मैं मेघा आपका अपने चैनल में दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही खुश होंगे। दोस्तों, गर्मियाँ शुरू होते ही टैनिंग की समस्या बहुत ज़्यादा हो जाती है। जैसे ही आप धूप में बाहर निकलते हैं, आप देखते हैं स्किन का कलर चेंज हो जाता है। दोस्तों, जो गोरे होते हैं उनकी स्किन पर कालापन कम दिखाई देता है, लेकिन जो थोड़े से भी सांवले होते हैं उनकी स्किन बहुत ज़्यादा डल दिखाई देने लगती है। सन टैनिंग एक ही तरह की नहीं होती है कि केवल स्किन का कलर चेंज हो जाए, सन बर्न भी हो जाता है। बहुत लोगों को स्किन पर लाल लाल चकत्ते पड़ जाते हैं, स्किन पर छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, स्किन एकदम से शेडेड स्किन आपको दिखने लगती है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो धूप के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने के कारण ये सारी समस्याएं हो जाती हैं। तो सबसे पहली बात तो दोस्तों वही है कि कोशिश करें कि 10 से 4 का जो समय होता है, अगर आपको बाहर उस समय जाना है तो कम से कम अम्ब्रेला लेकर जाएं, कैप लगाकर, सन ग्लासेस लगाकर, SPF 15 और 30 के बीच की सनस्क्रीन लोशन लगाकर ही बाहर निकले दोस्तों। इससे आपकी स्किन डैमेज होने से बच सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, क्योंकि आपकी जो स्किन है उसको अंदर से हाइड्रेट होने के लिए पानी की ज़रूरत होती है, क्योंकि स्किन का जो मॉइस्चर होता है दोस्तों वो सूरज की किरणों में डायरेक्ट आने के कारण सूख जाता है और स्किन का कलर चेंज हो जाता है। तो पानी की अच्छी मात्रा लें, सनस्क्रीन लोशन जरूर लगाएं, और अगर आपको तब भी टैनिंग हो जाती है तो वो कौन से घरेलू उपाय हैं जो इजीली आप अपने, बहुत ज़्यादा टाइट शेड्यूल है, वर्किंग प्रोफेशनल हैं आप, तब भी आप इसको कर सकते हैं। छोटी छोटी सी दोस्तों मैं आपको चीज़ें बताऊंगी जिनका इस्तेमाल आप इजीली कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ है दोस्तों एलोवेरा। आप बिजी हैं, खाना बना रहे हैं, थोड़ा सा 5 मिनट का भी समय मिले, अगर घर में एलोवेरा का पेड़ तो आप उस पर से पौधे पर से थोड़ा सा उसको तोड़ लीजिए। एलोवेरा जड़ी होती है दोस्तों वो, तो उस पर थोड़ा सा तोड़ लीजिए, बीच में से उसको खोल लीजिए, जो उसकी जेली होती है उसको अपनी स्किन पर हल्का हल्का सा रब करते रहिए दोस्तों। रोज कीजिए, टैनिंग की समस्या, दाने, ईचिंग, सभी चीज़ों की जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। दूसरा है दोस्तों खीरा। गर्मी के मौसम में खीरा बहुत ज़्यादा आता है और खीरा टैनिंग को ख़त्म करने का बहुत ही उपयोगी इलाज है दोस्तों। आपको खीरे का या तो रस निकाल लिए, अदरवाइज आप क्या कीजिए, खीरे को कद्दूकस कर लीजिए, गूदा गूदा उसका थोड़ा सा कूट लीजिए या मिक्सर में चला दीजिए। उसमें 1 चम्मच दूध और 1 चम्मच नींबू का रस मिलाइए, उसका पेस्ट बनाइए और अपने फेस पर लगा लीजिए। सूख जाए तो चेहरे को धो दीजिए। बहुत दोस्तों टैनिंग को ख़त्म करने के लिए खीरा बहुत उपयोगी है। एक और चीज़ मैं बताती हूँ दोस्तों, पपीता। अगर आपके घर में पपीता खाने के लिए आता है तो क्या कीजिए, उसमें से थोड़ा सा गूदा लीजिए, अपने फेस पर हल्के से मसाज कीजिए, इस तरीके से मसाज करके छोड़ दीजिए 10 मिनट, और 10 मिनट बाद अपने फेस को धो लीजिए। बादाम, बादाम फेस पैक दोस्तों चेहरे की टैनिंग हटाने के लिए बहुत उपयोगी है। आपको करना क्या है, बादाम को रात को भिगो दीजिए, सुबह को पीसकर उसका पेस्ट बनाना है और स्किन पर लगा लीजिए, 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, चेहरे को नॉर्मल वाटर से धो लीजिए। दोस्तों चेहरे को चमकदार बनाने के लिए ये बहुत ही उपयोगी होता है। दोस्तों अगर बादाम भी नहीं है तो दही सबके घर में होती है, दही इजीली अवेलेबल होती है, खाने में सभी लोग इस्तेमाल करते हैं। 2 चम्मच दही लीजिए, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालिए, स्किन पर मसाज कर लीजिए, नहाने से 15 मिनट पहले कीजिए और फिर आराम से अपना नहा लीजिए। स्किन पर कोई भी साबुन वगैरह मत लगाइए, सोप मत लगाइए, देखिए आपकी जो टैनिंग की समस्या है कितनी जल्दी ठीक हो जाती है। दोस्तों एक रामबाण इलाज है, वो है आपका बेसन का फेस पैक। बेसन, दही या दूध कुछ भी आप डालिए, थोड़ा सा चुटकी भर हल्दी, फेस पैक बनाइए, चेहरे पर लगा लीजिए। चेहरे का रूखापन, चेहरे पर दाने हो रहे हैं, चेहरे पर मुहासों के निशान हैं, चेहरे पर टैनिंग हो गई है, सभी चीज़ों को दोस्तों ये ठीक कर देता है, आपके चेहरे की रंगत को भी निखारता है। बहुत ही उपयोगी फेस पैक है, आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर ओट्स आपके यहाँ पर है तो ओट्स को छाछ होती है मट्ठा, उसमें थोड़ा सा भिगो कर फेस पैक बना लीजिए। ओट्स का जो फेस पैक होता है दोस्तों, ईचिंग की समस्या हो चाहे टैनिंग की समस्या हो, टैनिंग को तो ये बहुत ही इजी तरीके से सही कर देता है, बहुत ही इजी है बनाना भी और लगाना भी। तो टैनिंग की समस्या में तो इसको जरूर बनाकर लगाइए, आपकी टैनिंग बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा यहाँ से कुछ लोगों की स्किन सांवली होती है, यहाँ से सांवली होती है, गाल गोरे होते हैं, माथे का कलर सांवला होता है, तो ऐसे लोगों की जो स्किन होती है वो शेडेड होती है। तो ऐसे लोग अगर इन सारे घरेलू उपाय का इस्तेमाल करते हैं तो स्किन दोस्तों बहुत ही जल्दी चमकदार बन जाती है।
तो उम्मीद करूंगी दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगे, अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर करना दोस्तों बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मेगाज हेल्थ एंड ब्यूटी कॉर्नर। थैंक यू, नमस्कार।